मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास 7 टाइप्स दिए हुए हैं, लिस्ट दी हुई है। पहला है सॉइल को प्रिपेयर करना कि मिट्टी को आपको मिट्टी क्या होती है, जम जाती है तो उसको खोद के उसको सही किया जाता है, फिर बीज बोना, देन उसमें खाद फर्टिलाइज़र डालना, देन उसके बाद सिंचाई करना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स, जो खरपतवार वगैरह जो पेड़ फालतू पेड़ निकल आते हैं उनसे रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करना, देन उसके बाद अनाज को क्या करना या जो भी जिस चीज़ की भी क्रॉप है फसल को ग्रेन्स को क्या करना, स्टोर करना ना ड्राई प्लेस पे। ओके, फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये पहला स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करने के पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट। पहला टास्क ये है कि मिट्टी को क्या करना है, टर्न करना, ऊपर नीचे करना और उसको लूज करना, मतलब जम जाती है तो उसको खोद खोद के लूज करना। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉइल। जब हम सॉइल को लूज कर देते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि रूट क्या होती है सॉइल के डीप तक चली जाती है। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और जब लूज सॉइल जो रहती है और उसमें जो रूट कितनी भी नीचे तक चली जाए तो वो क्या कर सकती है, ब्रीथ ईजली ले सकती है, मतलब उनको नीचे हवा, मिट्टी में हवा आसानी से पहुंच सकती है जिससे कि सॉइल क्या कर सकती है, ब्रीथ कर सकती है इजली। ओके, द लूजेंट सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और जो लूज्ड एयर रहती है, लूजेंट एयर तो लूजेंट सॉइल मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो मतलब खोदी हुई जो मिट्टी होती है वो अर्थवॉर्म मतलब केचुए और माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। और ये क्या करते हैं, ये जो अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स होते हैं ये फार्मर के एक अच्छे फ्रेंड होते हैं, ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं मिट्टी को, और इनका काम भी होता है कि मिट्टी को लूज करते रहते हैं और मिट्टी में ह्यूम्स ऐड करते रहते हैं। और मिट्टी में ह्यूम्स होने से क्या होता है, मिट्टी हमारी उपजाऊ हो जाती है, मतलब अच्छी मिट्टी कहलाती है। सॉइल में क्या क्या होता है, सॉइल में मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इन एडिशन, और साथ में जैसे डेड प्लांट्स हो जाते हैं, पेड़ कुछ मर जाते हैं, एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, है ना, पेड़ जो डेड हो गए, एनिमल्स जो डेड हो गए वो क्या हो जाते हैं, सॉइल में दब गए और डिकम्पोज हो गए। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिशंस इन द डेथ ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इन टू द सॉइल। इस प्रकार से कई तरीके के न्यूट्रिशंस हमारी सॉइल में क्या हो जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। दिस न्यूट्रिशंस आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट। ऑफर ये न्यूट्रिशंस प्लांट्स के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं होते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स, और ये जो अपन जो देख रहे हैं कि डिकम्पोज होना, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा टॉप लेयर पे तो नहीं होता, नीचे मिट्टी में दबे हुए होते हैं, तो लेकिन जो जड़ें होती हैं वो फ्यू सेंटीमीटर पर ही आपकी क्या होती है, वर्क कर, फ्यू सेंटीमीटर ही ये ग्रो होती हैं। तो इस कारण हमको क्या करना पड़ता है, मिट्टी को टर्न एंड लूजिंग करना पड़ता है ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल है वो टॉप पे आ जाए और प्लांट्स को वो न्यूट्रिशंस मिल सकें। तो हमको क्या समझ में आया, टर्निंग एंड लूजिंग सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ओके, अब ये जो हमको टर्निंग एंड लूजिंग सॉइल को करना है ये किसके थ्रू किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, टिलिंग या फिर प्लगिंग, है ना, प्लग या फिर टिलिंग के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं। प्लगिंग आगे हम देखेंगे कि प्लग क्या होता है, ठीक है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग, और ये प्लग के द्वारा ही किया जाता है। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन, प्लग्स जो है वो लकड़ी या फिर आयरन का बना होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत ज्यादा ड्राई है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लगिंग, तो पहले प्लगिंग करने के पहले उसको मिट्टी में पानी डालना पड़ता है।
द प्लव्ड फील्ड में है बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। और जब हम प्लग्ड फील्ड करते हैं, मतलब जब ये जो हल होता है ना, ये देखो नीचे दिख रहा हुआ है, जब हम इस तरीके से दो बुल के द्वारा प्लग करते हैं, तो जो मिट्टी होती है वो कैसी हो जाती है, मिट्टी में आपके क्लम्प्स पड़ जाते हैं, मतलब बड़े बड़े गुच्छे हो जाते हैं, और इन्हीं को क्या बोले थे, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक, और इनको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेबलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइल, और मिट्टी को लेबल करना बीज बोने से पहले जरूरी होता है, ताकि इससे इरिगेशन अच्छे से हो पाती सिंचाई। नहीं तो जहाँ ऊंचा है वहाँ पानी स्टोर जाएगा, कम डलेगा, नीचाई में पानी ज़्यादा चला जाएगा ना, इसलिए इरिगेशन के लिए लेबलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेबलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लीवर, और लीवर के थ्रू उसको लेबलिंग किया जाता है। ओके और कई बार कुछ जो आपके फार्मर्स हैं वो मैन्योर मतलब खाद भी ऐड कर देते हैं टिलिंग के पहले, मतलब प्लगिंग के पहले। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। ऐसा करने से क्या होता है, जो आपकी खाद है वो आपकी मिट्टी में क्या हो जाती है, प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाती है, और फिर आपको जब आप सोइंग करोगे बीज बोगे, तो वो अच्छे से बीज को ग्रो करने में हेल्प करेगा। ओके एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब हम ये जान चुके हैं कि बीज बोने के पहले हमको क्या करना पड़ता है, सॉइल के क्लम्प्स को ब्रेक, सॉइल क्लम्प्स को तोड़ना पड़ता है बैटर यील्ड के लिए, मतलब अच्छे खेती के लिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, अलग अलग टूल्स से ये काम किया जाता है। द मेन टूल्स यूज टू द पर्पज आर प्लग, हो एंड कल्टिवेटर। जो अभी हमने पढ़ा क्लम्प्स को तोड़ने के लिए, तीन मेन आपके टूल्स होते हैं, प्लग, एक हो, एक कल्टीवेटर। ओके अब क्या होता है, यहाँ देखो प्लग क्या होता है, दिस इज अ बीइंग यूज्ड सिंस एंसेंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। पुराने जमाने में यूज किया जाता था एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप, और इसमें फर्टिलाइजर्स भी डाल दिए जाते थे क्रॉप्स में, वील्ड्स अलग कर दिए जाते थे, मतलब खरपतवार जो खराब पेड़ पौधे हैं उनको अलग कर दिया जाता था, और मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता था। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड, और ये लकड़ी का बना होता था, ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ, और दो बैल इसको चलाते थे, और इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। इसमें एक ट्राइंगुलर शेप का एक आयरन की स्ट्रिप होती थी, जिसको प्लग शेयर कहा जाता था। ठीक है, द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। इसमें एक लंबी लकड़ी का टुकड़ा लगा होता था, जिसको क्या बोलते हैं, प्लग शेफ्ट बोलते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शेफ्ट, उसके शेफ्ट के एक हिस्से पे क्या लगा होता था, एक हैंडल लगा होता था, और दूसरे एंड पे क्या लगा होता था, अटैच टू अ बीम विच इज अ प्लेस्ड ऑन द बुल नेक। ठीक है, ये देखो, और एक बीम लगी होती थी जो बुल के नेक पे आती थी, और नीचे आपका क्या लगा होता था, यहाँ पे एक हैंडल लगा होता था जो जमीन में जाता था। वन पेयर ऑफ बुल इसमें काम करते थे, और एक इंसान इसको आसानी से ऑपरेट कर सकता था। द इंडिजिनियस वुडन प्लग, ये आप छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको हो के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।